मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान बीजेपी में हो गई शामिल। क्या यूपी में बीजेपी को लेकर बदल रही है मुसलमानों की सोच? यूपी का सियासी समर इस बार थोड़ा अलग है। पहले जहां मुस्लिम समुदाय के वर्ग के वोटों के लिए जोर आजमाइश होती थी, तो वहीं इस बार बात दबी जुबान से हो रही है। यूपी में तमाम सियासी दलों के बीच मुस्लिम वोट पाने को लेकर होड़ मची है। वैसे तो एसपी, बीएसपी और कांग्रेस सभी की नजर इस मुस्लिम वोट बैंक पर है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस नेता तौकीर रजा की बहू ने बीजेपी का दामन थामा है, उससे विरोधियों के कान खड़े हो गए हैं। दरअसल यूपी चुनाव में नेताओं के दल बदलने का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीएसपी और समाजवादी पार्टी को उस वक्त जोर का झटका लगा जब एसपी, बीएसपी समेत अन्य दलों के करीब 21 लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वैसे तो इसमें कई दिग्गज नेता हैं, लेकिन जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने भी बीजेपी की सदस्यता ली, उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी का दामन थामने के बाद निदा खान ने कहा कि वो पार्टी के कामों से प्रभावित हैं और इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। निदा खान ने कहा कि तीन तलाक जैसे मामलों पर बीजेपी सरकार ने जो काम किया है वो सराहनीय है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद निदा खान ने कहा कि यूपी में बीजेपी के शासनकाल में ही मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित हैं। तीन तलाक का मुद्दा बीजेपी को सपोर्ट करने का टर्निंग पॉइंट था। बीजेपी सरकार ने तीन तलाक पर कानून बनाकर महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो इस बार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा। इस दौरान निदा ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। निदा ने कहा कि कांग्रेस ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा जरूर दिया, लेकिन कोई काम नहीं किया, मगर बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला सशक्तिकरण पर काम किया। इतने साल बीजेपी सरकार रही, लेकिन मुसलमानों को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। इस दौरान निदा ने शायर मुनव्वर राणा पर टिप्पणी की। निदा ने कहा कि मुनव्वर जैसे लोग आज मुखर होकर बोल रहे हैं, वैसे पहले भी बोलते। आज तक उन्होंने पलायन नहीं किया, लेकिन आज इलेक्शन आते ही ऐसे बयान देना सिर्फ गुमराह करने की बात है। तो वहीं अपने ससुर तौकीर रजा को लेकर निदा खान ने कहा, मेरे ससुर तौकीर रजा कुछ वक्त पहले कांग्रेस में आए हैं, लेकिन मैंने हमेशा ही बीजेपी का समर्थन किया है, क्योंकि बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं की बातचीत की, उनके सशक्तिकरण पर काम किया। जानकारों की माने तो तौकीर रजा की बहू के बीजेपी में जाने से बड़ा संदेश जाएगा और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर मुसलमानों की सोच को दर्शाता है। इंडिया न्यूज़ बैरल की रिपोर्ट।